अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब कैरियर से होंगे। दोस्तों शकील रहमानी 2.0 चैनल के साथ खुश आमदीद, मिलते हैं आज फिर एक नई वीडियो के साथ। आज मेरे पास मौजूद है क्राउन कंपनी के रेयर और फ्रंट टायर मेरे पास मौजूद हैं। ये सादा टायर है, सादा का मतलब यानी कि पेंचर फ्री नहीं है, इसमें सादा ट्यूब होती है, जैसे हम चीता में और सर्वस वगैरह पेंथर वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा। ये मेरे पास पड़ा हुआ है फ्रंट टायर, ये आप लोगों को मिल जाएगा 1500 का। ये 4 ply में मौजूद है मेरे पास, ठीक है। और रेयर वाला जो हमारे पास पड़ा हुआ वो आप लोगों को मिल जाएगा 6 ply में, 6 ply में आपको मिल जाएगा, वो 1750 का मिल जाएगा, ठीक है। दोस्तों ये क्राउन कंपनी के टायर हैं, ये सबसे लो प्राइजेस की और चलने वाली चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। हमने अपनी बाइक में ये यूज़ किया, मैंने 2 साल हो गए हैं क्राउन कंपनी का जो 6 ply का जो टायर है वो मैंने यूज़ किया हुआ है सादा। लेकिन अभी तो आजकल माशाल्लाह से काफ़ी जदीद टेक्नोलॉजी उन्होंने तैयार कर ली है, पेंचर फ्री टायर। वीडियो बनाने का मकसद है कि आप लोगों को एक न्यू चीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है। इसमें क्राउन कंपनी ने जो जितने भी मॉडल्स जो बना रहे हैं उसमें उन लोगों ने पेंचर फ्री टायर यूज़ किया हुआ है। पेंचर फ्री टायर का मैं आप लोगों को मतलब बता देता हूँ कि जो ट्यूब होती है उसको केमिकल होता है, उसमें लिक्विड होता है, जैसे पेंचर फ्री टायर होता है उसमें कील वगैरह लग जाए तो आपने उसमें एक एहतियात करना है। इसका तरीका मैं पेंचर फ्री टायर का यूज़ करने का थोड़ा सा तरीका मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप उस तरीके पे यूज़ करेंगे तो वो ठीक रहेगा, वरना वो ट्यूब जो है ना वो बेकार हो जाएगी। फर्स्ट में आपकी गाड़ी की जो हवा है वो कम होने लगी है तो आप लोगों ने तो टायर को देखना है, फ्रंट हो या रेयर टायर हो उसको आपने देखना है, वो कील लग जाए, कील आपने निकाल के उसका जो व्हील को आप लोगों ने घुमा लेना है, व्हील को आप लोगों ने घुमा के नीचे वाली साइड पे कर लेना है, ठीक है। तो वो जो लिक्विड है वो कील वाली जगह पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जो थोड़ी बहुत जो कील निकलने के दौरान और वो लिक्विड पहुंचने के दौरान जितनी भी आपकी हवा जो थोड़ी बहुत खारिज होगी तो उसे आप पूरा कर लीजिएगा। उसके अलावा अगर आप इसको कील लगा रहने देगा और आप ऐसे यूज़ करेंगे, डबल ट्रिपल सवारी पे यूज़ करेंगे तो उसका नुकसान आपको होगा, टायर तो आपका बच जाएगा लेकिन जो लिक्विड जो ट्यूब होती है जो जिसमें केमिकल होता है जिसका मकसद है पंचर फ्री, तो वो ट्यूब आपकी ज़ाया हो जाएगी, वो कील आपका फिर जाएगा। जैसे आपका इसके ऊपर तरीकाकार भी लिखा होता है, ठीक है, जैसे कील लगेगा वैसे आप लोगों ने निकाल के उसको घुमा के आपने लिक्विड वाली साइड वो नीचे कर देनी है और वो सारा लिक्विड वाली जो जगह है वो सुराख वाली जगह पे आ जाएगी और इससे आपकी जो पंचर जो वो बंद हो जाएगा और हवा जितनी खारिज होनी होगी वो हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप प्रॉपर तरीके से जो मैक्सिमम 50 से 55 जो रेयर टायर में फ्यूल जो हवा होती है उसकी भरवानी पड़ती है, सॉरी फ्यूल कह दिया हवा, और फ्रंट में 20 से 25 जो हवा होती है वो भरवानी से। तो ये है पेंचर फ्री का जो फ़ायदा। तो कोई भी कंपनी आपने देखा होगा कि वो पेंचर फ्री टायर नहीं बना रही, मार्केट में लोकल ब्रांड वगैरह लोकल तरीके से तैयार कर रहे हैं लेकिन वो कारामद नहीं है। ये जो टायर पेंचर फ्री है ये ऑल टू ऑल मॉडल जितने भी मॉडल हैं कंपनी के उन्हीं में ये एक डाला जा रहा है। फर्स्ट में जब ये पेंचर फ्री नया डाला था टायर तो उस वक्त बहुत कम जो है ना वो बाइक्स वगैरह होती उनमें यूज़ किया जाता था, लेकिन अब जो हो रहा है ऐसे कि अब जितने भी मॉडल्स हैं जितने भी हम लोगों ने शोरूम पे विजिट वगैरह किया है वो ऑल टू ऑल मॉडल्स में डीलर हजरात जो कस्टमर हजरात वो रिक्वायर करते हैं कि हमें पेंचर फ्री टायर के साथ जो बाइक चाहिए। उसका फ़ायदा ये होता है कि आप कच्ची रास्ते में जाते हैं, ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ पर पेंचर वाला नहीं होता और इस जगह पर होते हैं जहाँ पर जुमा वगैरह होता है, कोई मसला बन जाता है, फैमिली साथ होती है तो आप ईज़िली उस पर पेंचर फ्री टायर आपका कील वगैरह लग जाए तो आप उसे निकाल के ईज़िली आप अपने सफ़र को स्मूथ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो जस्ट इतनी ही, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो स्पेयर पार्ट्स के ऊपर बनाएंगे वीडियो, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, वस्सलाम।